हेलो गाइस, टेक्निकल काजा की नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कैसे एक HD थंबनेल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, हम हमारे PC के स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। और जैसे मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, तो आपको यहाँ से सिंपली टाइप करना है पोस्टर माय वॉल। तो इस वेबसाइट में आपको जाना है और इस वेबसाइट की मदद से हम अपने थंबनेल्स को HD और प्रोफेशनल तरीके से बनाने वाले हैं। तो मैं इस वेबसाइट का पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट का इंटरफेरेंस कुछ ऐसा है। और जैसे आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में आप पोस्टर, फ्लायर और बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। मैंने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि आप कैसे पोस्टर और फ्लायर बना सकते हैं। आप उस वीडियो को यहाँ पे कार्ड पे चेक कर सकते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि विदाउट अकाउंट आप यहाँ से कोई स्टफ बना नहीं सकते। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ से सिंपली अगर लॉग आउट करूँगा और जैसे यहाँ पे आ जाता है, लॉग इन करके एक ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से गूगल फेसबुक की साइट से आप लॉग इन कर सकते हैं। और तो मेरा ये अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो पे जो थंबनेल देखा था, मैं उस थंबनेल को आपको बना के दिखाऊंगा, जिसके द्वारा आप समझ पाओगे कि इस वेबसाइट में आप थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राउज टेम्पलेट करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन का यूज़ करके आप अपने थंबनेल को बना सकते हैं। और वो कैसे करना है मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लायर्स की डिज़ाइन को आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने जो डिज़ाइन ली थी, उस डिज़ाइन का नाम था कुछ ब्लैक फ्राइडे, और मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जो डिज़ाइन को लिया था वो डिज़ाइन ये था। और मैं इस डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करके आपको बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप कैसे एक HD और एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये आपका टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पर जैसे आप देख सकते हैं, इस टेम्पलेट की साइज़ जो है वो एक पोस्टर की साइज़ है, जिसको आप थंबनेल में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपको साइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और उसके साइड में एक पेंसिल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से साइज़ आप सिलेक्ट कीजिए यूट्यूब थंबनेल। आप देख सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल साइज़ सिलेक्ट कीजिए और रिसाइज पे क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं, हमारा YouTube थंबनेल की साइज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो मैंने जो अपना थंबनेल बनाया था वो मैंने इसी टेम्पलेट से बनाया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने थंबनेल को बनाना है। तो मुझे क्या करना है, इस सारे जो ये जो स्टफ है उसको इस साइड में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और उसको थोड़ा यहाँ पे लाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने उसको थोड़ा साइड में लाया। और इसके टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आप कंट्रोल ए दबा के इसके टेक्स्ट को आप यहाँ से कट बैक स्पेस करके कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट को एडिट करना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा YouTube कैप्स लॉक में YouTube, और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे YouTube लिखा है। और ये जो सेल का है उसको मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे, यहाँ पे
इस फ्राइडे के टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ पे लिखूंगा थंबनेल, थंबनेल। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक थंबनेल लिखा है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर के टेक्स्ट पे लिखूंगा, मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे लिखूंगा प्रोफेशनल। तो मैं यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पे इसका पोजीशन मैं ज़रा ठीक से करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो सेल है उसको मैं यहाँ से एडिट करूँगा कंट्रोल ए प्रेस करके, फ्री पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं, और ये जो नीचे जो टेक्स्ट है उसको मेरे को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट अप टू 50% जो है उस पर क्लिक करके कीबोर्ड में एक डिलीट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, और उसको आप और एक तरीके से डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट टेक्स्ट, उस पर क्लिक करके डिलीट टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल फ्री मैंने यहाँ पे लिखा है, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल ए दबा के आप इन सब को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल फ्री। और आपका इमेज आपको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, फ़ोटो में जाना है और फ्रॉम माय फ़ोटो सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे फ़ोटो नहीं है तो अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, और ये आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से ऐड करना है। मेरा सिंपली यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो ऐड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड फ़ोटो करूँगा। और ये जो फ़ोटो है जो मेरा, ये एक पोस्टर साइज़ में फ़ोटो है, तो मुझे इसको सर्कल में करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इस फोटो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन है, मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसे, फिर यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन है, फ्री हैंड, शेप और टेक्स्ट। मैं शेप में जाऊँगा, और जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से सिंपली सर्कल पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ से इसको बड़ा करूँगा, और तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को सर्कल के शेप में सिलेक्ट किया है, और मास्क पे मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को यहाँ पे लाया है, और फिर आपको अगर एक YouTube का लोगो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मैं अपने फिर से फ़ोटो में जाऊँगा और माय फ़ोटो में क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने YouTube के कुछ लोगो यहाँ पे ऐड करके ऑलरेडी रखे हैं, तो मैं ऐड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, और जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा एक YouTube का थंबनेल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो मैंने अपने इस वीडियो के लिए बनाया था। तो इस वेबसाइट की मदद से आप ऐसे थंबनेल को बना सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, इसको अगर मुझको डाउनलोड करना है पहले इसको डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई क्वालिटी इमेज में यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि इस साइट में मैंने एक प्राइम मेंबरशिप ली है। तो इस साइट में मैं हाई क्वालिटी की इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ, पर आप अब सिंपली नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिलेगी, आपको उन इमेज के पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको इस वेबसाइट में हाई क्वालिटी के इमेज को डाउनलोड करना है इनके प्रीमियम प्लान के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके लिए फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इस पोस्टर माय वॉल वेबसाइट से फ्री में HD इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल डिज़ाइन से अपना थंबनेल बनाया, पर आप देख सकते हैं
इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे फ्लायर्स पोस्टर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी डिज़ाइन को यूज़ करके आप अपने थंबनेल को एक प्रोफेशनल और HD तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस, ये देखा हमने आज की वीडियो में कि हम कैसे एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।